अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड, आज की गर्मी जैसे कि बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि ना मैं बोल्ड को सारा ना शावर वगैरह करता हूँ, ये अंदर वाले पेड़ को भी ज़रा ना शावर करने लगा हूँ। गर्मी से ना बहुत ज़्यादा हांफड़े थे, तो जिसकी वजह से ना इनका ये टेम्परेचर होके ना ये बर्ड्स के अंदर ना डेड भी हो सकता है। इसलिए कोशिश किया करें आप अपने बर्ड को ना, गर्मी हो जैसे ये टेम्परेचर चढ़ रहा है इस मौसम में, गर्मी के चिपचिपापन वाले मौसम में, तो आप शावर वगैरह करें। मैं ना ये शावर लेकर आया था, ये तकरीबन आपको 50-60 रुपये का मिल जाता है, और बोतल में ना ऐड करके आप अपने बर्ड को ना शावर वगैरह कर सकते हैं इससे। तो आप इसको ना हल्का सा ऐसे करके ना प्रेस, आप इसको भी शावर कर दें ताकि ये ज़रा फ्रेश ज़रा फील होंगे। वैसे भी तो नहाते तो हैं, लेकिन ये आप देख ही होंगे आपके सामने हैं। आप इनको शावर वगैरह करें। आज जैसा कि 14 अगस्त है, बाहर शोर हो रहा है, तो इसकी वजह से माजरत है हम आपसे, तो कि आवाज़ क्लियर भी आ रही हो या नहीं आ रही होगी। तो आपने अपने बर्ड को ये वाले शावर करना है। इसके अलावा मैं अपने बाकी के भी बर्ड्स को शावर इसी तरीके से करता हूँ कि जिससे ना वो एटमोसफेयर और टेम्परेचर उनका ना बॉडी का कम हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले जो सा बर्ड केज है मेरा, आपको पता ही है पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब इस बर्ड को वगैरह को मैं शावर करने लगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ इनको भी शावर करके। ये जो इनसे आ रहा ये आपके सामने है, इससे से मतलब ये रिलैक्स फील करेंगे। ये देखें, ये खुद आगे फेस करके ना कह रहा है कि पानी वगैरह जितना हो सके मेरे पे गिराओ। आपने ऐसे करके पानी वगैरह करें, इस पे भी करें एक सेकंड के लिए। तो मैं इनको ना ज़रा शावर कर लूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ मेरे से ना एक हाथ से ज़रा सही तरह शावर नहीं हो रहा। मैं इस साइड से आ गया हूँ, ये आप देखें ज़रा। तो फ्रेंड, मैंने ना इनको सारा अच्छी तरीके से ज़रा शावर वगैरह कर दिया है कि ना एक हाथ से ना शावर सही नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे ना दूसरे हाथ से तकरीबन सही पकड़ के ना बोतल भरी है ना, इसलिए फिर शावर वगैरह किया है इनको। अब आपके सामने है, ये इस टाइम फ्रेश हुए हुए हैं। ये फीमेल को भी कर दिया मैंने शावर, क्योंकि जितना टेम्परेचर है आप इनके बॉडी टेम्परेचर को कूल माइंडेड रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, दिन में एक दो दफ़ा आप कर दिया करें ताकि ना इनका जिसम बॉडी टेम्परेचर भी सही रहे। ये आपके सामने है, इसको शावर किया, ये इस टाइम मस्ती में आया हुआ है ये वाला मेल, ये आपके सामने। इसके अलावा मैं आपको अंदर से भी लेके जाता हूँ दूसरे जो उनसे बर्ड्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी शावर वगैरह करता हूँ ताकि वो भी ठीक रहे। जो उनसे अंदर फीमेल है ना उसको नहीं करना, उसके अलावा जो उनसे है बाकी उनको शावर करूँगा। इसको भी साथ ही कर लेता हूँ, ये मेल आया आ गया हमारा, ये साथ इनको नहीं छेड़ना, ये सही है। इनको ज़रा शावर वगैरह मार दिए ताकि ना ये सही हो जाए। इनके लिए वैसे ज़रूरत नहीं है, अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। इसके अलावा ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ, ऊपर से ज़रा सही तरह शावर होगा इनको, वो मैं ऐसे करता हूँ। यहाँ से भी आप शावर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी है इनका खाने वगैरह का भी ध्यान से ज़्यादा रखें, इनको सॉफ्ट फूड वगैरह दें। और ये हमारे कबीर साहब ये ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ जी कबीर साहब, ये कौन सा कबूतर पकड़ा आपने आज? कहाँ से पकड़ा तुमने? सही है, सही है, बड़े पर ले जाए इसको। ये मुर्गी के ऊपर क्यों डाला तुमने? ये रहता है, वो लगा, वो मारती है। अच्छा जी, तो मुर्गे को आज खोला है? नहीं आज तो नहीं लड़ा लुड़ा, सही है। बाकी दो चीते साहब हमारे कहाँ पे हैं, इसको बाहर नहीं निकाला? ये पागल है, ये वाले काम क्यों करता रहता है? ये हमेशा ऐसे ही काम करता रहता है जिससे समझ लो किसी ना किसी परिंदे का नुकसान हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।